हमारे पड़ोसी देश में छात्र आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि वहां के सबसे प्रमुख नेता को देश छोड़कर भागना पड़ा। जिस संसद भवन से देश चल रहा था वहां बैठकर छात्र सेल्फी लेने लगे, प्रधानमंत्री के आवास में घुस करके उनके सामान को इस्तेमाल करने लगे और वहां पार्टी करने लगे। एक तानाशाह क्यों ऐसा हो गया कि उसके देश में छात्र आंदोलन इतना बढ़ गया कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ा? वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो शेख हसीना ने पिछले लंबे समय तक के अपने शासनकाल में की, जिसके चलते उन्हें रोते हुए देश छोड़कर भागना पड़ा? क्या उन गलतियों से हम सबक ले सकते हैं? क्या बांग्लादेश की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं? इस मौके का दुरुपयोग करने वाले बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इससे सबक सीखने वाले सबक सीख सकते हैं कि वहां जो गलती कल हुई वो यहां आज तो नहीं हो रही। समय रहते सजग हो जाना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में एक ठहराव के साथ विश्लेषण करेंगे कि बांग्लादेश ने वो कौन सी गलती की कि वहां एक तानाशाह पैदा हुआ और उस तानाशाह को हटाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और ये क्या सबक कि तानाशाही के सामने इंकलाब कभी भी खड़ा हो सकता है? क्या सबक ले सकता है ये मुल्क और यहाँ के नागरिक और छात्र? इसकी पड़ताल जरूरी है, मगर इस बात की अपील के साथ कि हिंसा इतनी न बढ़ जाए कि मनुष्यता के खिलाफ हो जाए। आज के वीडियो में स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सूचना, सबसे महत्वपूर्ण बात इस देश के लिए यह है कि हमारे पड़ोसी देश में एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं, या यूं कह लें कि लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हो गए थे और एक छात्र आंदोलन ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। शेख हसीना जो लंबे समय से बांग्लादेश के सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज थे, उन्हें अपनी गद्दी छोड़कर, देश छोड़कर भागना पड़ा। मामला कुछ यूं है कि एक तात्कालिक घटना घटी, और तात्कालिक घटना ये घटी कि सरकार ने आरक्षण का कोटा, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन जो है, दुनिया के कई देशों में, ये बात हम भारत के लोगों को भी कई बार समझाना चाहते हैं कि आरक्षण केवल भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में आरक्षण या इसी से मिलती जुलती अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज बनी हुई हैं, क्योंकि लगभग दुनिया के हर कोने में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जिस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसी बेस पर पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज बनी होती हैं ताकि क्वालिटी का हम देश बना सके। पिछले दिनों बांग्लादेश में भी ये था, और बांग्लादेश उस आरक्षण व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करता है। वहां की शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कई तरह के कोटा को खत्म करके केवल एक कोटा बढ़ा दिया। जो लोग 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोटा बढ़ा दिया गया, और इस बात से बांग्लादेश के छात्र नाराज हुए और उन्होंने एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया। एक चुनी हुई सरकार आंदोलन को कैसे डील करती है, इस बात को समझने में बांग्लादेश की मुखिया चूक गईं और उन्होंने आंदोलन को दमन करके दबाने की कोशिश की।
जितनी बातें मैं कह रहा हूं वो मीडिया में जितनी खबरें आ रही हैं उसी के मुताबिक है, क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयां हो सकता है ऐसी हो जो हमें नहीं पता अंदर बहुत कुछ हो रहा हो। मिसाल के तौर पर पिछले 24-48 घंटे या 72 घंटे में जो हुआ उसमें खबर आ रही है कि 100 लोग मारे गए। उसके पहले जो महीनों से आंदोलन चल रहा था छात्रों का कहना यह है आप अनौपचारिक तरफ से कि 1000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। सरकार कहती है कि कुछ दर्जन मारे गए। अमूमन इस तरह के आंकड़े सार्वजनिक हो नहीं पाते। तो तात्कालिक घटना यह बनी कि उस छात्र आंदोलन को जो कोटा को बदलाव की पॉलिसी के खिलाफ खड़ा था कि हमारे यहां जिस तरह की गैर बराबरी है आप उसे इस तरह के कोटा को दे करके असल में अपने चहेते लोगों को सरकारी सेवाओं में सरकारी चीजों में बैकडोर से भरना शुरू कर रहे हैं। और इस बात से वहां के छात्र बहुत नाराज हुए और उन्होंने आंदोलन किया कि इस कोटा को वापस लिया जाए। लेकिन उस आंदोलन को डील करने का, उस आंदोलन से संवाद करने का जो इनका तरीका था वो बेहद आपत्तिजनक और दमनकारी था। एक तरफ पुलिस और प्रशासन के जरिए दमन करवाया गया, लोगों पे मुकदमे डाले गए, उन्हें गायब कर दिया गया, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ सरकार समर्थित कुछ नॉन पुलिसिया सिस्टम जो उनकी अपनी स्टूडेंट विंग थी जो सरकार समर्थित थी उनको भी आगे कर दिया गया, छात्र आंदोलन के सामने चुनौती बन के खड़ा कर दिया गया। गोलियां चली, लोग मारे गए। इस बात से बहुत आक्रोश उन छात्रों में पैदा हो गया। तो बाद में चल करके सुप्रीम कोर्ट ने उस कोटे को बदल भी दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोटा रद्द कर दिया जाता है। लेकिन आंदोलन नहीं रुका, क्योंकि आंदोलन भीतर भीतर कई वजहों से जो लंबे समय से बांग्लादेश के लोगों के भीतर गुस्सा पनप रहा था सरकार की नीतियों और रवैये के चलते, वो गुस्सा इस आंदोलन को जिस तरह से दमन के जरिए डील किया गया इससे संघनित हो गया और गुस्सा मिल करके एक बड़ी मुहिम तक चला गया कि अब बात केवल कोटे की नहीं है, आपने मारा है, आपने गलत तरीके से डील किया है, इसलिए अब इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम पूरे देश में एक तख्ता पलट जैसी चीजें करेंगे। हालांकि तख्ता पलट छात्रों का मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रविवार के दिन जब यह आंदोलन और तेज हो रहा था तो पुलिस के या सरकार की तरफ से घोषित अघोषित लोग असल हाथ लेकर के उस आंदोलन के खिलाफ और हिंसक होते चले गए और छात्र आंदोलन इसकी तुलना में और ज्यादा उग्र होते होते ढाका की तरफ कूच कर गया और उसका एक नारा बदल गया कि अब इन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी, अब इन्हें सरकार से हटना पड़ेगा। तो इस बात को फिर वो बात वहां तक पहुंची कि उन्हें सरकार से हटना पड़ा। पहले शेख हसीना ने चाहा कि वो राष्ट्र को संबोधित कर लें, वो कुछ अपनी बात कह लें, लेकिन सेना की तरफ से फिर इस मामले को डील किया गया। ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, গিয়ে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। जब দমন करने के लिए सेना को भी कहा जा रहा था तो सेना ने छात्रों के ऊपर दमन करने से इनकार कर दिया। मीडिया की खबरें बताती हैं कि सेना में भी दो तरह के लोग थे, एक सत्ता के पक्ष में थे और दूसरे सत्ता के पक्ष में नहीं थे। उन तबके के लोगों ने कहा कि हम अपने देश के नौजवानों पर गोली नहीं चलाएंगे, हम उन पर दमन नहीं करेंगे। और इसके चलते जब उन्होंने कहा कि अब स्थिति हाथ से निकल रही है तो हमें संबोधित करने दिया जाए, सेना ने कमान संभालते हुए कहा कि नहीं, अब ये आपके पास इतने घंटे बचे हैं, आप एक रेजिग्नेशन लेटर दीजिए और देश से जा सकते हैं। उसका उपयोग शेख हसीना ने यही किया और वो त्यागपत्र दे करके देश छोड़कर भाग गई। एक लोकतांत्रिक देश जहां चुनाव हो रहा था उसके बाद वहां का ये दृश्य आया। बाद में पता चला कि वो भारत आई, अभी आगे कहां जाएंगी अभी इसका कोई स्पष्ट सूचना सामने नहीं आई। तो क्या वाकई इतनी सी ही बात है? नहीं, इसके पीछे वो जो गुस्सा है कि जो जिस तरीके से सरकार चल रही थी पिछले दिनों से
उसके बीच कई तरह के कारण एक साथ सामने आते हैं और वो कारण ये बताते हैं कि पिछले दिनों पिछले 2 से 3 दशक में जो दृश्य वहां पर पैदा हुए थे, क्योंकि जो आंदोलन के समय दृश्य थे नाराजगी शेख हसीना से थी लेकिन उनके उन पूर्वजों तक पहुंच गई जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई। उनकी मूर्तियां तोड़ दी गईं, उनको उनको जमींदोज कर दिया गया। शेख हसीना के घर में बिरयानी पार्टी करने लगे वो सारे लोग जो शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, संसद भवन की कुर्सियों पर बैठकर सेल्फी ले रहे थे और लोकतांत्रिक चीजों को इस तरीके से कह रहे थे कि हमने तानाशाही के खिलाफ इनकलाब किया है। दूसरी तरफ मीडिया में मिक्स खबरें आ रही थीं कि अल्पसंख्यक, वहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं बांग्लादेश में, उनके घरों पर हमले शुरू हो गए या उनकी इबादत घरों पर मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। फिर वो वीडियोस आने लगी जिसमें छात्र आंदोलन की तरफ से एक लड़की और एक लड़के का 2 वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़की जो छात्र नेता है वो कह रही है कि हमारा आंदोलन केवल सत्ता बदलने का नहीं था, ये आंदोलन तब रुकेगा जब हमारे देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले बंद हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह की चीजें तो कब मौका देख करके कौन अपने यहाँ, जो मजबूत होता है वो कमजोर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ उनके यहां ऐलान किया गया, वो वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें छात्र कह रहे हैं कि यह लड़ाई हमारी हक के लिए थी इसलिए हम किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम इस तरह के जो आंदोलनकारी हैं हम उसकी हिफाजत करेंगे। बाद में तस्वीरें आईं कि वहां के कई मुस्लिम लोग हिंदुओं के सामने खड़े होकर उनकी रक्षा कर। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রি মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন কর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার আমার এবং সকলের দায়িত্ব, তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। কিসি বিদেশ মে মানবীয় মূল্য ইহি কহতা হ্যায় কি আগর ইয়ে ছাত্র আন্দোলন হ্যায় তো আব ইসে হিংসক নহি হোনা চাহিয়ে, আব ইসে আপনে ইয়াহা কে মাইনরিটিজ কি হিফাজত মে বদলনা চাহিয়ে। और इसकी कोशिश छात्र आंदोलन के नेताओं की तरफ से देखने को मिली लेकिन इसको अभी पुख्ता होना बाकी है कि वहां शांति कैसे होगी। सेना ने अपने हाथ में कमान ली, उनकी तरफ से कहा गया कि हम आंतरिक सरकार बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो वजहें क्या थी जो इतने बड़े जन आंदोलन या इस तरह के उपद्रव में तब्दील हो गए। 5 वजहें बताई जाती हैं जिसमें सबसे पहली वजह, और मैं ये वीडियो इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज से अपने आसपास से इस देश को यह सीखना चाहिए जो तथागत बुद्ध का देश है, ये भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने सांसों में बसाता है। बुद्ध ने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। ये युद्ध का देश नहीं है, ये बुद्ध का देश है। इस देश के लोकतांत्रिक मूल्य को बहुत मेहनत से, बड़ी कुर्बानी से मजबूत किया गया है और आज भी हमारे यहां कभी सेना का तख्ता पलट नहीं हुआ। जबकि कोई पूर्वी पाकिस्तान बना तो कोई पश्चिमी पाकिस्तान बना, और जब भी धर्म राजनीति पर हावी हुआ है तो इस तरह की नफरती हिंसा देखने को मिली है। और हम अपने मुल्क को इस तरह की हिंसा से और कैसे बचा सकते हैं? इन 5 गलतियों से जो शेख हसीना ने की, हमारे यहाँ के लोगों को भी सबक लेना होगा। छात्र आंदोलन तो वहां तानाशाही के खिलाफ कामयाब हो गया लेकिन उसके बाद उसकी दिशा क्या होगी अभी ये कहना तो बाकी है ना। तो वो वजहें जिससे भारत का लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत हो सकता है सबक सीखते हुए। पहली गलती शेख हसीना ने की कि उन्होंने अपने शासनकाल में अपने विपक्षियों की आवाजों और असहमतियों को दबाने की कोशिश की। लगातार उनकी सत्ता लंबे समय तक थी, विपक्ष के नेताओं के ऊपर गिरफ्तारी, जेल, मुकदमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन और असहमति के दमन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी।
और कोई कोर कसर शेख हसीना ने नहीं छोड़ा था कि किसी भी तरह का विरोध उनके सामने न हो। कोई प्रदर्शनकारी आया तो अत्यधिक बल प्रयोग करके उनको दबाने की कोशिश की गई। इसने उन लोगों के भीतर एक गुस्सा पनपाया। दूसरी बड़ी वजह थी कि लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उनको धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। शेख हसीना की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं तक को कमजोर कर दिया। उनके कार्यकाल में चुनाव में धांधली तक की खबरें आने लगी, हिंसा के आरोप सामने लगने लगे। सरकारी एजेंसियों के लिए कहा गया कि शेख हसीना हर तरह की लोकतांत्रिक सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही, विपक्षियों को जेल में डाल रहे और मुकदमों का अंबार लगा दिया। पुलिस से लेकर के अन्य तमाम लोकतांत्रिक जो कार्य करने वाली संस्थाएं थी उन सबको केवल अपने विपक्षियों को दबाने, डराने और चुप कराने के काम में लगा दिया गया। और जिस वजह से इस बार के चुनाव में जिसमें जीत करके शेख हसीना फिर से काबिज हुई थी, पूरे विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और उसके बाद भी वह चुनाव जीत करके सत्ता पर काबिज हो गई। ये दूसरी सबसे बड़ी वजह थी इस बहुत बड़े गुस्से को पनपने की। तीसरी वजह के रूप में बात आ रही है आरक्षण की, जो अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले तीसरी वजह के रूप में देख लेते हैं मीडिया की सेंसरशिप। मीडिया को इस तरह से गुलाम कर लिया था सरकार ने कि प्रेस की आजादी बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार और मीडिया के तमाम लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, कानूनी कार्रवाइयों में फंसाए जा रहे थे, उनको शटडाउन कर दिया जा रहा था और कोई भी फ्रीलांस रिपोर्टिंग वहां खत्म हो गई थी। चौथी वजह वहां मानवाधिकारी मूल्यों को दबाने और खत्म करने की थी। वहां जितने भी मानवाधिकार के उल्लंघन की रिपोर्ट आई वो दुनिया को चौंकाने वाली थी। जबरन लोगों को गायब कर देने की खबरें बांग्लादेश से आने लगी, न्याय के परे जाकर के हत्याएं होने लगी। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस तरह के दुर्व्यवहारों पर कई बार दस्तावेज पेश किए। पश्चिमी देशों ने इस उल्लंघन, मानवाधिकार उल्लंघन की वजह से सुरक्षा बलों के खिलाफ भी प्रतिबंध की बात कर दी। तो चौथी वजह मानवाधिकारों के खात्मे की थी, और पांचवी सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश की बन गई कि आरक्षण का यह फैसला कि 71 में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उन्हीं को कोटा दे दो। और इसके पीछे तर्क था कि अपने मनपसंद लोगों को विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में, अधिकारी बनाने में, कर्मचारी बनाने में, देश चलाने में, सब जगह ये लगा दो। कोर्ट ने इस फैसले को रोका, लेकिन इन वजहों से जो गुस्सा भरा था वो आमूलचूल बदलाव तक चला गया। तानाशाही रवैये ने वहां के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को अस्त व्यस्त कर दिया, हिंसा में तब्दील कर दिया। जब मैं बांग्लादेश की सरकार के लंबे शासन का, जो कि चुनाव जीत कर आई थी, भले उस चुनाव में विपक्ष ने भाग नहीं लिया, जब मैं उनकी 5 गलतियों को गिना रहा था, तो हर एक लोकतांत्रिक देश को और वहां के नागरिकों को अपनी पड़ताल करनी होती है कि कहीं वो मूल्य, वैसी प्रवृत्तियां आपके आसपास तो नहीं पनपना शुरू हो रही हैं, और अगर ये पनप रही हैं तो एक दिन ऐसी ही तानाशाही की तरफ लेकर चली जाएंगी जिस पर जनाक्रोश इतना हावी हो जाए कि गोलियां सामने से चल रही थीं मगर जनाक्रोश रुका नहीं। और छात्र आंदोलन जो बेरोजगारी को झेल रहा था, जो अशिक्षा को झेल रहा था, जो गलत नीति के खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ सड़क पर उतर गया और उसने कहा कि यह देश की बर्बादी की नीति है, इसलिए इस नीति को तत्काल बदला जाना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को इतना कुचला गया था पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में कि वो फैसला जिसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बदल दिया, फिर भी आंदोलन नहीं रुका और उसने अपने देश के तानाशाह बन चुके हुक्मरान को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो वो अपनी जनता के खिलाफ जाकर बहुत लंबे वक्त तक शासन नहीं कर सकता, और इसका फायदा वहां दूसरे खेमे के लोग उठा सकते हैं। निश्चित रूप से यह रास्ता चूंकि खतरनाक है, ये रास्ता चूंकि हिंसा का है, ये रास्ता बांग्लादेश की आजादी के लिए जो लड़े उनकी मूर्ति को भी बुलडोजर से ढहा देने तक पहुंच गया, जो कि कहीं से उचित नहीं लगता।
जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस नायक को ही इस तरह से क्यों जमींदोज कर दिया बांग्लादेश के छात्रों ने, क्योंकि वहां से जो पैदा हुआ वो तानाशाही थी। शेख हसीना उस तानाशाही रवैये की प्रतीक बन गई थी। शेख हसीना ने अपने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, माना यह भी जाता है कि जो दूसरा गुट है वो वहां के हिंदू अल्पसंख्यक जो हैं उनके खिलाफ ज्यादा कट्टर है, हिंसक है, तो शेख हसीना ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। लेकिन इसके उलट शेख हसीना ने जो तानाशाही रवैया अख्तियार किया, विपक्ष की आवाजों को दबाना कुचलना शुरू किया, उसने यह दिन देखना पड़ा कि रोती हुई शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जाने को मजबूर हुई और लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने इंकलाब जो छात्रों का था वो अपने झंडे के साथ बुलंद हुआ। इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक देश अगर जनता के खिलाफ हो जाए, कोई भी लोकतांत्रिक देश अगर अपने विपक्ष के खिलाफ इतना कदर हो जाए कि ईडी सीबीआई वो भी भेजने लगे, उसके जेल में वो सारे लोग हों जो विपक्ष के हों और जो सत्ता पक्ष की पार्टी को ज्वाइन कर ले, उसको सारे मुकदमों से बरी कर दिया जाए, तो खतरे की घंटी आपके आसपास भी बज रही होगी। अगर आपके आसपास भी कोई प्रोफेसर सच बोलने के लिए नौकरी से निकाला जाए और आपके आसपास भी ये खबरें देखने को मिले कि एक पार्टी और एक विचारधारा के लोगों को हर संस्थान में भर्ती किया जाए, उनके लिए फरमान निकाले जाएं कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं उसके बाद भी एक सांस्कृतिक संगठन के हिस्सा में कार्यक्रम में जाएं तो भी नौकरी नहीं जाएगी, सीधे रिपोर्ट आने लगे कि आपके यहां भी वैसा ही एक आरक्षण की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ले आ रहा है जिसमें कोटे को कोटे से बांट रहा है बिना जातिवार जनगणना के आंकड़ों के, और वो एक ऐसा फैसला है जो लोगों को नाराज कर रहा है। तो क्या इस तरह की नाराजगियां जनता में इस बात का इम्तिहान नहीं लेती कि वो कितना जिंदा है? हिंसा की रास्ते पर चलकर बांग्लादेश आगे कैसा बनेगा या आने वाले वक्त में पता चलेगा। कहीं फिर से वो कट्टरपंथी ताकतें इस तरह की अस्थिरता और उतार चढ़ाव की दुरुपयोग करने में कामयाब न हो जाएं, क्योंकि जैसे ही शेख हसीना बाहर गई वैसे ही दूसरे उनके विपक्षी पार्टी के लोग जेल से रिहा कर दिए गए। उनमें बहुत सारे लोग इस मौके का दुरुपयोग कर सकते, वहां अस्थिरता और पनप सकती है, वहां लोकतांत्रिक मूल्य और खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो हुआ वो तानाशाही के इंतहा के चलते हुआ। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को ढंग से जिया गया होता तो बांग्लादेश में इतनी आग नहीं लगती। इसलिए मनुष्य होने की बुनियादी शर्त है कि किसी को इतना ही मत डराओ कि उसका डर से ही डर खत्म हो जाए। बांग्लादेश के नौजवानों को इतना डराया गया, इतना उनके ऊपर दमन हुआ कि उनका डर ही खत्म हो गया। सबक सीखना होता है, नासमझ लोग गलती करके सीखते हैं, मुर्दा लोग कुछ भी करके नहीं सीखते हैं, और समझदार और जागरूक लोग दूसरे की गलतियों से भी सीख लेते हैं कि अपने यहां भी ऐसे दिन ना आए। इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे बहुत सारी और खबरें होंगी, बहुत सारे और विश्लेषण होंगे, लेकिन मेरा आज की बातचीत करने का एक फोकस पॉइंट था कि लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज होता है, मनुष्य की गरिमा, न्याय और समता मूल्य, ये मानवीय मूल्य सबसे बड़े मूल्य होते हैं। सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए अगर आप ब्रॉडकास्टिंग बिल बना करके यूट्यूबर्स की आवाजों को दबाने की कोशिश शुरू कर दें, अगर आप विपक्षी नेताओं को जेल में भरने की कोशिश शुरू कर दें, अगर आप अपने ही विचारधारा के लोगों को हर लोकतांत्रिक संस्था में भर दें, अगर आप हर तरह से लोकतांत्रिक अपने विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश करें, तो क्या ऐसे दिन आपके सामने नहीं आ जाएंगे? ये देश बहुत खूबसूरत देश है। भारत देश ने बहुत बुरे दिन देख करके एक संविधान रचा है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। और इस देश में एक तरफ भारत के संविधान पर माथा चुकाया जा रहा है और संविधान की प्रस्तावना को एनसीईआरटी की किताबों में से हटाया जा रहा है। समझदार को इशारा काफी। लोकतंत्र सबसे बड़ी पूंजी है। हिंसा से कोई बहुत ठोस रास्ता नहीं निकलता, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, और अगर नहीं बचेगा तो तानाशाही का एक दिन इसी तरह से हश्र होता है। दुनिया में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे।
इस बात को जाते जाते विचार करिएगा कि हमारे पूरब और पश्चिम में जो लोग लड़के अलग हुए और मजहब को लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर रख दिया, उसका कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस देश ने, इस मुल्क ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने, जयपाल सिंह मुंडा के संविधान सभा की बहस ने, भगत सिंह के संघर्षों और विचारों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद ने, फूले पेरियार के विचार ने, गांधी के सपनों ने, नेहरू के विजन ने, मंडल आंदोलन ने इस मुल्क की बुनियाद को बहुत मजबूती से सींचा है, जिसमें समानता और न्याय के मूल्य हैं, इंसानियत के मूल्य हैं। इसमें कबीर रैदास आज भी सांस लेते हैं। इसलिए अगर यहां भी वो गलतियां हो को उठाना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते जाग जाना बहुत जरूरी है। और अगर आज की बातचीत में आप इसका विश्लेषण करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समझ जाएंगे। समझदार को इशारा काफी। जागिए इससे पहले कि जागने लायक ही ना बचे। आप देख रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाइए ताकि अगला विश्लेषण आप तक मिलता रहे। और अगर आप इसे फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, अपने वक्त के किसी और जरूरी सवाल के साथ, जिस पर बात करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।